हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक राजपूत ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ हरिद्वार के लिए। तो अभी बैग पैक कर लिया हमने, तो मैं हरिद्वार निकलूँगा यहाँ से, और यहाँ से जाऊँगा गाजियाबाद। गाजियाबाद से अपने दोस्त को पिक करने के बाद में फिर वहाँ से हरिद्वार जाने वाले हैं हम लोग, और हरिद्वार से नीलकंठ तक जाएंगे। तो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हरिद्वार का अलग और बाकी ब्लॉग जो होंगे मैं वो शूट करूँगा तो अलग रहेंगे। तो इसलिए पूरा आपको मिलेगा देखने के लिए, तो वहाँ पर सारी जगह पे जाएंगे हम घूमने, ज़्यादा भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो में आगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि जो आ रहा है ना मेरा दोस्त, वो यहीं पर आएगा, तो उसे मैं यहाँ से पिक करूँगा। और यहाँ से पिक करने के बाद में जाएंगे। और देखो मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। अभी हुआ है रात का टाइम, 1 बज गया है, और अभी हम पहुंच गए हरिद्वार। और ये देखो, ये आया है साथ, बाइक पे आया है ये साथ। देखो इसकी हालत देख लो, ये देख लो कैसे, ये देखो कैसे पहले पड़े हैं रोड पे। और देखो यहाँ पे रात के 1 बजे अभी यहीं पे घूम रहे हैं, क्योंकि अभी जाके हम होटल पर रुकेंगे। और अभी ये हर की पौड़ी के पास में ही है, अभी थोड़ी सी आगे हर की पौड़ी है, तो वहाँ पे भी अभी जाएंगे। और ये है हमारी बाइक जिससे हम आए हैं हरिद्वार। और अभी यहाँ पे ये मूर्ति लगी हुई है हर की पौड़ी के पास में, बड़ी अच्छी है। गाइस अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे नीचे उतरने के, और रात में देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा दिख रहा है। पानी काफ़ी ज़्यादा आ रखा है, और अभी नहाने का खैर अभी तो कुछ टाइम ही नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी आ रखा है, क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है वो पहाड़ों का पानी आ रखा है रात में। मतलब दिन में भी बरसात का टाइम चल रहा है, तो अभी बरसात का पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा आ रखा है। तो इस टाइम पर अगर आप नहाते भी हो तो थोड़ा ध्यान से नहाओ। अभी मैं नीचे उतर के आ गया यहाँ पे, और अभी आप देख सकते हो कि पीछे पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे गंगा जी पे, और गंदा पानी आ रखा है क्योंकि बरसात पड़ रही है। पीछे पहाड़ों का पानी आता है, तो बरसात का पानी है, गंदा है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी रात को यहाँ पे आया हूँ, तो बड़ा सुकून है यहाँ पे, बड़ा रिलैक्स है, इतना क्राउड भी नहीं है बिल्कुल भी, बड़ी शांति है। बस कुछ लोग यहाँ पे हैं कि अभी यहाँ पे मेरे पीछे अभी कुछ लोग आप देख सकते हो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो नहाने के लिए अभी रात को अभी 1 बजे भी आ गए हैं नहाने के लिए। वो पता नहीं शायद यहीं क्यों होंगे, तो इसलिए आए हैं उन्होंने, बट लोकेशन काफ़ी अच्छी है। अभी ऑलमोस्ट हर की पौड़ी पर पहुंच गए हैं, और अभी ये पीछे देखो बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे हम रुक गए हैं रात में। अभी यहीं पे देखेंगे कमरा मिलेगा कहाँ पे, अभी कमरा ढूंढना है। और ये देखो, ये आया बाइक चला के चीता। ये देखो लाइटिंग यहाँ पे जो लगी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लाइटिंग लगी हुई है। पूरा फ्लाईओवर इसी तरीके से कवर किया हुआ है, जो कि लाइट चेंज भी हो रही है, धीरे धीरे चेंज भी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे मतलब यार मज़ा ही अलग है, लाइटिंग वाइटिंग है ना, पूरा मज़ा आ रहा है कि हाँ तुम आए हो घूमने। ये देखो अभी बज गए रात के 2, और अभी ढूंढ रहे हैं रूम, ना रूम का पता ना कुछ। 1 घंटा तो हो गया यहाँ पर रूम ढूंढते ढूंढते हमें, और अभी रूम का पता भी नहीं चल रहा, पता नहीं यार कहाँ जाके मिलेगा। घंटों की मेहनत के बाद ये मिला है रूम हमें, एक छोटा सा। अभी रात को रुकेंगे यहीं पे, और उसके बाद में सुबह निकलेंगे, और बाकी का जो वीडियो है वो सुबह बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। अभी हम निकल आए घर से बाहर, क्योंकि रात सोए थे लेट, तो इस वजह से अभी सुबह 9 बज गए हैं हमें निकलने में। तो अभी होटल से चेकआउट करके निकल के बाहर आ गए हैं, और अब जाएंगे गंगा जी नहाने, और गंगा नहा के वहीं पर आके ही। ये है सुबह का नज़ारा यहाँ पे,
जो रात भी देखा था तो रात काफ़ी अलग ही था, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो कुछ अलग ही नज़ारा आ रहा था रात को। ये बैठा हमारा भोला बाबा अमरापुर घाट, भोला बाबा बैठा अकेले में कर रहा आज। अभी हम पहुंचने वाले हैं हर की पौड़ी पे, जहाँ पे अभी हम रुकेंगे और रुक के नहाएंगे और फिर आगे का वीडियो वहीं पे शूट करेंगे हम, थोड़ा सा जो भी होगा मंदिर यहाँ पे जो भी हैं वो दिखाएंगे आपको। अभी गाड़ी पार्क करके अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। अब तो पता नहीं यार, पूरा लुक ही चेंज कर दिया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पार्किंग दूसरी तरफ है, नहाने के लिए दूसरी तरफ आना पड़ता है। और यहाँ पे अभी जाएंगे नहाने। ये अभी आ गए हर की पौड़ी पे, और ये जो यहाँ नहाने की जगह है ये मेन जगह है। यहाँ पे पानी का बहाव है बहुत ज़्यादा तेज, तो ये बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, इसके अंदर ही नहाने में फ़ायदा है। भीड़ देखो अभी भी, मतलब कभी भी आओ यहाँ पर तो भीड़ ही रहती है पूरा, और बहुत ज़्यादा सुबह से भीड़ हो रखी है। नहाने के लिए अभी नहा के आएगा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे घूमेंगे, फिर कुछ खाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर कभी कावार के टाइम पे आओ तो यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती, इतना ज़्यादा क्राउड रहता है। और आज की डेट में अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और पानी का बहाव तो हमेशा ही इतना तेज़ रहता है। अभी पानी थोड़ा गंदा आ रहा है, क्योंकि अभी जो ऊपर बारिश पड़ रही है तो वहाँ से पानी आ रहा है इसमें, तो पानी अभी थोड़ा गंदा है। लेकिन अगर यही आप दिसंबर जनवरी या मई जून के महीने तक, बहुत ज़्यादा साफ़ रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा पानी आता है। यादव को हो गए तैयार, जीता अपना हो गया तैयार यहाँ पे, और अभी हम यहाँ से निकलते हैं आए के लिए। आगे भी खाना खाएँगे, रुकेंगे वहाँ पर। ये अभी नहा धो के हम पूरा बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी का बहाव तो बहुत ज़्यादा है ही, और पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रखा है यहाँ पे फिलहाल, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड इधर की तरफ नहीं है। ये जो पुल अभी बना हुआ है ये फिलहाल में ही आई थिंक मेरे हिसाब से जल्दी ही बना है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे 2 साल पहले आया था तब ये पुल भी नहीं था यहाँ पे, और ये पूरा मतलब इलाका बहुत ज़्यादा खाली था। अभी तो फिर पूरा ही व्यस्त हो रखा है ये रास्ता पूरा, और ये यहाँ पे पूरा पानी का बहाव देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज है। तो इधर तो नहाने के लिए बिल्कुल अलाउड है ही नहीं कि आप नहा सकते हो, यहाँ पे तो कोई नहीं नहा सकता, और यहाँ पे तो बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज है। यहाँ पे तो मतलब नहाने का कोई प्लान ही नहीं बनता कि यहाँ पे नहाया जाए। यहाँ पे लोग बैठे हैं जो पूजा करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जंगली डाल रखी है, और कोई आता है पीछे से तो यहाँ पे नहा सकता है, आप यहाँ पे नहा सकते हो कूद के। और ये चल दिया गरीब बैग लेके नहा धो के तैयार। और ये देखिए यहाँ से ये जो होते हैं ना स्पेशल कमांडो, ये देखिए आप अगर अपने रिस्क पर नहाना चाहो तो ऐसे नहा सकते हो यहाँ पे।
बट अपने रिस्क पे, अगर बह गए तो कोई निकालने भी नहीं आने वाला। तो इस गरीब की हालत कैसी हो गई है देखो, गर्मी लग रही है इसे, देखो अंगोछा डाल के चल रहा है। यह है हर की बॉडी का पूरा नज़ारा। अभी तो यहाँ पे भीड़ कम है, ये देखो यहाँ पे पानी कम है लेकिन बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। देखो पानी का बहाव है ना बीच में, बहुत ही ज़्यादा तेज रहता है भाई। बहाव नहीं है लेकिन वो पानी गहरा नहीं है, लेकिन रुका थोड़ी नहीं जाएगा, नहाया थोड़ी नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे निकल रही है आज तिरंगा रैली। ये है यहाँ पे पीछे की ओर मंदिर के बाद में मार्केट है, तो और ये पुरानी मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ से मनसा देवी जाने के लिए रास्ता है। अभी आइए इन्हें अकल, तब तक आ गए थे पैंट पहन के, अब ये जा रहे हैं हाफ निक्कर लेने। अब यहाँ से निक्कर लेने के बाद में निक्कर कोई पहनेगा क्योंकि टांगें हो जाएंगी बेकार भाई। ऐसा ही रास्ता है लाडवा धर्मशाला, ये नहीं गाइस। अभी आ गया हूँ फाइनली मैं गाजियाबाद से घर, और अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं उसे ड्रॉप करके मैं रात को निकल आया यहाँ पे। फिर मैं गाजियाबाद से हरिद्वार का सफ़र और हरिद्वार से घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, और हरिद्वार वहाँ पे गया बहुत अच्छे से, वहाँ पे रुके और बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ हुआ हमारा, अच्छे से घूमे भी। वो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी पहाड़ों में जाने के बाद अलग ही अनुभव रहता है, और मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से रहे। आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब हमारी अगली वीडियो आए तो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।